नमस्कार मतांतर को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना मतांतर आज आलोचना करबा G20 वार्ता विषय रे रोम रे पहुंची छंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ठो आरंभ होउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 दिनिया यूरोप गस्त ए समय रे से इटाली एवं यूके रे 16तम G20 शिखर सम्मेलन सहित वर्ल्ड लीडर शिखर सम्मेलन COP26 रे मध्य जोग देबे एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहां शिखर सम्मेलन रे स्थान पाइबो से होउछि क्लाइमेट चेंज कारण क्लाइमेट चेंज कौन से एक देशर इश्यू बोले आम कहीपरबानी इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम यह एक समस्त बड़ असुविधा बा समस्या हो छिड़ा हो मिलित भाव में यह कमी मुकाबला करा जाय परबो सेथिपई बारंबार गुरुत्वारोप मध्य करा जाउची G20 सम्मेलन रे एथरो थीम रहिची पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी भारत हेउची G20 सम्मेलन रो प्रतिष्ठाता सदस्य नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाव में दायित्व नेबा परे एहा हेउची G20 बैठक रे तांकर अष्टम योगदान माने 8 थर पई से योगदान करि सारिछंती ये अष्टम योगदान ये अवसर रे इटाली रो प्रधानमंत्री मारियो द्राघी सहित प्रथम थर पर व्यक्तिगत भाव में साक्षात आलोचना करेंगे मोदी तो आज ठारु मोदी 5 दिनिया यूरोप गस्त ए गस्त बा ए सम्मेलन अनेक गुरुत्व बहन करुच्छी विशेष भाव में भारत एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउची प्रतिष्ठाता सदस्य हिसाब से ए समय इटाली यूके रे 16तम G20 शिखर सम्मेलन सहित वर्ल्ड लीडर शिखर सम्मेलन COP26 रे मध्य जोगदेबार कार्यक्रम रहुच्छ प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन रे एथर थीम रही पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी लोक माने किभली भाव में प्रॉस्पेरिटी आड़क जी लोक माने किभली भाव में मिलित भाव में काम करिवे एवं क्लाइमेट चेंज जहाँ बेस गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एवं एक गुरुत्व मध्य दिया जाउची कारण क्लाइमेट चेंज रो प्रसंग कौन से एक देश समस्या नुह ये पूरा ग्लोबल समस्या किभली भाव में क्लाइमेट चेंज परवर्ती समय रे मानव समाज आड़क विपद हो माड़ आसू कि भाव में कंट्रोल करेखु डेवलप्ड कंट्री साधारण भाव में ए दिगरे अनेक काम करुछंती किंतु डेवलपिंग कंट्री हिसाब रे इंडिया पाई मध्य ये बहुत बड़ा चैलेंज हाई कॉस्ट रही सहित टेक्नोलॉजी रो कथा कहतु डेवलपिंग कंट्री हिसाब रे जेहेतु अधिक खर्च मध्य हेबो क्लाइमेट चेंज हिसार मुकाबला करबा पई तो फ्री टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस ए सबुर आवश्यकता रही बाबरे पुंखानुपुंख आलोचना कर रोम रे पहुंची छंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ठू आरंभ होउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनिया यूरोप गस्त ए समय रे से इटाली एवं यूके रे 16तम G20 शिखर सम्मेलन सहित वर्ल्ड लीडर शिखर सम्मेलन COP26 रे मध्य जोगदेबार रही कार्यक्रम G20 सम्मेलन जहाँ एथर थीम रखुच्छ पीपल प्लानेट एवं प्रॉस्पेरिटी भारत होउछि G20 सम्मेलन प्रतिष्ठाता सदस्य नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाव में दायित्व ग्रहण करिबा परे G20 बैठक रे तांकर ये अष्टम योगदान ये अवसर रे इटाली रो प्रधानमंत्री मारियो द्राघी को सह मध्य प्रथम थर पर व्यक्तिगत भाव में साक्षात आलोचना करिबे मोदी तो प्रधानमंत्री ए गस्त एवं G20 सम्मेलन निश्चित भाव में बेस गुरुत्व बहन करुछि कही रखापी चाहे 1999 रे प्रतिष्ठा होता G20 रो भारत हेउची प्रतिष्ठाता सदस्य भारत एक स्वतंत्र स्थान रही सम्मेलन रे इटाली रो G20 शिखर सम्मेलन रे सम्मेलन रो थीम जहाँ मुझे कहती पीपल प्लानेट एवं प्रॉस्पेरिटी रही सहित इटाली रो प्रधानमंत्री मारियो द्राघी सहित प्रथम थर भाव में व्यक्तिगत साक्षात आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री एथसहित पोप फ्रांसिस मोदी साक्षात कार्यक्रम रही शिखर सम्मेलन में भारत क्यों क्यों विषय को गुरुत्व देव से वैदेशिक मंत्रालय तरफ सूचना दि जाइए जातिसंघ तरफ यूके ग्लासगो में अनुष्ठित COP26 शिखर बैठक में जलवायु परिवर्तन उपर मोदी वक्तव्य रखिबार कार्यक्रम रोकवा सूचना रुचि विशेषकर भारत जलवायु परिवर्तन नहीं कौन सब पदक्षेप नहीं बाबद सूचना देबे प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन आम समस्त बेस गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एवं विशेष भाव में डेवलप्ड कंट्री अपेक्षा डेवलपिंग कंट्री जो गुड़ा सब अच्छा से जलवायु परिवर्तन
क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करबा ता सहित मुकाबला करबा चैलेंजिंग निश्चित कारण ये हाई कॉस्ट बहन करे ता सहित आमे कहबा फ्री टेक्नोलॉजी बा रिसोर्सेस ये सब को किभली उचित ढंग से व्यवहार करा जाई परबो नागरिकों को भितरे किभली सचेतनता सृष्टि हेबो सी एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग ए बाबद आलोचना करने आज आम सहित प्रोफेसर सीताकांत मिश्र वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ रहिबे आम सहित आरके गोयल वैदेशिक विभाग पूर्वतन अधिकारी रहिबे प्रथम श्रीजुक्त आरके गोयल को पाकु जीवा पाई चाहेबी गोयल जी स्वागत है आपका अर्गस न्यूज में ये जो G20 शिखर सम्मेलनी कितना गुरुत्व बहन करता है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू इंडिया You see, G20 is a group of countries which really is monitors the economic situation of the entire world. And they discuss policies about the economic development and now particularly after the pandemic for economic and financial revival of the world and of the health issues as well. हाँ गोयल जी बोलिए हाँ ये क्या अब मेरी आवाज नहीं आई आपको हाँ, अभी हाँ, आवाज आ रही है जैसे कि आप बोले कि डेवलप्ड कंट्री के लिए ये जितना बड़ा चैलेंज नहीं है इंडिया के लिए एज डेवलपिंग कंट्री ये कितना बड़ा चैलेंज होगा फ्री टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस परपोज ये सब बातें आगे आ रही है इंडिया के लिए तो है ही इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट के लिए भी बात करता है कि हाँ। वहां पर जो है ये इतने बड़े फोरम में G20 में जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं जिनमें कि दुनिया का 60% पॉपुलेशन है 80% GDP वहां पर ये 20 कंट्रीज एम्बॉडी करती हैं तो ये बड़े देश हैं जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ जो पॉलिसीज डिस्कस होती हैं वो सारी दुनिया को अफेक्ट करती है इसलिए इंडिया जो है वो अपने चैलेंजेस भी वहाँ पेश करता है और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से भी अपने विचारों को रखता है ठीक है तो अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इट कॉस्ट हाई हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि डेवलप्ड कंट्री के लिए ये जितना कॉस्ट हाई नहीं करता डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हाँ वो जो है क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है कि सभी डेवलप्ड कंट्रीज ये चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज भी ये क्लाइमेट चेंज के लिए जो कमिटमेंट है वो पूरा एक्सेप्ट करें और कंप्लीट करें जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली आल्सो तो इंडिया की अप्रोच ये है कि देयर शुड बी समथिंग लाइक ए क्लाइमेट जस्टिस कि डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस भी दिया जाए टेक्नोलॉजी भी दी जाए ताकि वो अपने क्लाइमेट चेंज के जो जो गैस एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके जो अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कंट्री में आपको लगता है कि वो काफी है काफी तो नहीं है क्योंकि जो दुनिया ने जो अभी जो पेरिस एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया था कि 1950 तक हमारा एमिशंस जो है वो जीरो हो जाना चाहिए और अभी 2030 तक के जो टारगेट्स हैं वो डिस्कस होंगे लेकिन जो पहले डिसाइड हो चुके हैं जितने 2020 तक के लिए थे वो भी अभी तक एक्चुअली पूरे नहीं हुए इसलिए ये एक सिचुएशन है सब लोग जो है कमिट तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते अभी जो 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि 2020 तक करीब $100 बिलियन यानी $10,000 करोड़ का फंड एवरी ईयर तैयार किया जाएगा जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प की जाएगी क्लाइमेट चेंज के एक्शंस को इंप्लीमेंट करने
लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो पाया है। अभी वो कह रहे हैं कि ये 2023 तक हम कर पाएंगे। नाउ वी डोंट नो वेदर दे विल एक्चुअली बी एबल टू डू दैट अप टू 23 आल्सो। सो टारगेट्स हैं, सब लोग कमिट करते हैं लेकिन सब जो है उसको मीट नहीं कर पा रहे। सो हाउ कैन वी कंप्लीट द कमिटमेंट, हाउ कैन वी वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर अ गुड आउटपुट, फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट? Well, that is the effort that is being made at every level. We, being the responsible member of the international community, we keep on participating in all these conferences and we keep discussing the ways and means of how to achieve it. So that is all, the effort has to go on. ओके गोयल जी, आई विल कम बैक टू यू। प्रोफेसर सीताकांत मिश्र आम सहित जोड़ी होती। प्रोफेसर मिश्र, स्वागत करुच्ची आपण को अर्गस न्यूज को। जी ट्वेंटी सम्मेलनी बा शिखर सम्मेलनी केते गुरुत्व बहन करे, विशेष भाव क्लाइमेट चेंज बा जलवायु परिवर्तन रो कथा जदि सामना को आसे, तबे डेवलपिंग कंट्री हिसाब रे भारत पई ये चैलेंज केते बड़ एक चैलेंज? धन्यवाद। मु कहि रखिबाकु चाहू छी जे जी ट्वेंटी मीटिंग जो परिप्रेक्षी होउची सेटा बहुत महत्वपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण मध्य एथिपई जे पृथ्वी गोटे पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर आरकु जाउची जो थरे कि भारत होउची महानायक। एही महानायक जेतेबेले जाउची वर्तमान पैंडेमिक को एडेकी विश्व दरबार रे कथाबार्ता करिवा पई, जोठी कि आपण देखिबे चीन रा प्रेसिडेंट साहस करू नाहंती गत दी वर्ष हला बाहर को बाहर वापई, आउ सी जिनपिंग वर्तमान ऑनलाइन रे पार्टिसिपेट करिवे जी ट्वेंटी मीटिंग रे एवं सबु मीटिंग रे भारत रा प्रधानमंत्री 100 कोटी वैक्सीन दे सारिकी इन पर्सन ग्लासगो समिट रे भेटिवा को जाउचंदी विश्व दरबार को। नंबर वन। नंबर टू, भारत प्रथम ही से जो क्लाइमेट चेंज इश्यू को नहीं कि विश्व दरबार अवेयरनेस सृष्टि कर 1960 दशक हो जहाँ जहाज चली भारत से प्रमुख भूमिका ग्रहण करी एवं मोदी जो रिप्रेजेंटेशन वर्तमान भारत को गोटे नुआ दिग देखी ये जे सारा विश्व जितेबाला स्ट्रगल एनर्जी सिक्योरिटी एवं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन देवाई सारा विश्व रे गोटे आह्वान दिया चली सेतेबेले मोदी सरकार भारत रे रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करी विश्व दरबार को जाउची देखाउची जे भारत ऑलरेडी रिन्यूएबल रिसोर्स को बढ़ेबा दिगरे जाए एनवायरमेंट को मध्य सुरक्षा देवा को प्रस्तुत करी। तेणु मोदी जो रिप्रेजेंटेशन क्लाइमेट चेंज निगोसिएशन ने सक्सेस हबा सहित एक आम समस्त को गर्व बा गौरव अनुभव कराऊँगी। ये गोटे कथा प्रोफेसर मिश्र, अवेयरनेस बा सचेतनतार कथा मुझे कहती जे प्रधानमंत्री हिसाब से कर्तव्य करुँचा जो कथा आपण कहते रिप्रेजेंट करो समस्या आम सम्मुखीन होसोर्सेस कथा कहतु, फ्री टेक्नोलोजी कथा कहतु, किभली भाव में क्लाइमेट चेंज को मिलित ढंग से मुकाबला करा जाय पारिबो, कारण एटा गोटे देश बा गोटे पर्टिकुलर कंट्री रो कंसर्न नुह, इट इज अ ग्लोबल इश्यू। तो ये सब क्षेत्र में आम समस्त सिटीजन हिसाब से बड़ दायित्व रोनी कि जहाँ पल्यूशन कथा कहतु बा दूषित पदार्थ कथा कहतु, ये सब को आम निज सराउंडिंग को प्रथम केमती ठीक रखा। क्लाइमेट चेंज गोटे एमती अवस्था जहाँ कि सबू जनसाधारण को अफेक्ट करुची, छोट पिलांकठ आरंभ करी वयस्क मानक प्रति समस्त उपरे क्लाइमेट चेंज रो जो असरटा बहुत भाव में पड़ आसी एवं आगु को आहुरी मध्यम गोटे खराब दिग को जिबाकु देखा जाउची। तेणु प्रति जनसाधारण छोट पिलाठ आरंभ करी बुढ़ा पर्यंत समस्त गोटे दायित्व रही एनवायरमेंट को आम के प्रोटेक्ट करिया, आम टिके साधारणत भाव में टिके रेस्पॉन्सिबल हवा निहाती दरकार दैनंदिन जीवन रे। गोटे जदि फैन बुलूची आम अनाटेंड करी बंद करूने घर बंद करी पलाऊे, कि गोटे बल्ब जलुची आम संरक्षण करूने, कि गछटे पोतने गछ को काटुचे, ये सबू प्रति दैनंदिन जीवन में जदि टिके टिके आमे माने सजाग हबा ताहले बहुत बड़ कंट्रीब्यूशन हबो जलवायु संरक्षण पई एवं क्लाइमेट चेंज को रोकिबा पई।
प्रति स्टेप रे दैनंदिन जीवन रे प्रति नागरिक टिके सजगतार सहित तार जीवन शैली को चेष्टा करबा को दरकार जे टिके केमती बदलै किंतु जो माने एजुकेटेड मास अछंती सेमान को बुझा जाई पारिछि जलवायु परिवर्तन परवर्ती समय रे केते बड़ एक विपद आम समस्त को पई मानव संबल को नष्ट करबा पई ये केते बड़ एक विपद जहां ऑलरेडी पदध्वनि जहार शुभा गलानी किंतु गाँ गहली रे जो लोक माने अछंती बा जो जगार अपाठुआ लोक माने अछंती जो माने क्लाइमेट चेंज विषय रे अवेयर नुहंती सेमानको सचेतनता सृष्टि करबा पई सेमानको पाखरे सचेतनता पहुंचाइबा पई वार्ता पहुंचेबा पई कोन सब उद्यम करा जाइथिबा आपण देखंती देखंतु क्लाइमेट चेंज एमिति गोटे भयावह परिस्थिति सृष्टि करिछि जे किछि आगामी दशंधिरे आम देखा केते गुड़े देश विश्वर मैप्रु हजिजे जमीक मलदीव्स मलदीव्स धीरे धीरे बुड़ा को आरंभ बांग्लादेश कर किसी तटवर्ती इलाका बुड़ा जाटा गोटे बहुत भीतत्रस्त अवस्था देखा जावा आगक तेणु यही जिनस गुड़ाक नहीं कि आम जदि सहर गाँ को जीवा गाँव रोकटा को बुझेबा सरल भाव बुझेबा जे क्लाइमेट चेंज कौन केमिति आमर दैनंदिन जीवन में तार प्रभाव पड़ुछि केमिति स्वास्थ्य व्यवस्था को अफेक्ट करुछि फ्यूचर जेनरेशन केमिति या द्वारा डरिबे एवं कहार भयभ्रत भयभ्रत हेबे एही सब धीरे धीरे नहीं कि जदि स्कूल कॉलेज बा एनजीओ मानक द्वारा जनसाधारण पाख को पहुंची कि तांको बुझेबा सरल भाषा रे बुझेबा ताले हुए त किछ परिवर्तन आसीबो किंतु इट इज हाई टाइम आमे लोकों को परिवर्तन आमे लोकों को जलवायु परिवर्तन विषय रे सचेतन करिबार आवश्यकता रहुछि एवं प्रतिटि जागा रे लोकों को पाखरे वार्ता पहुंचिबार आवश्यकता अछि जे क्लाइमेट चेंज केते बड़ एक विपद भविष्य में आम कौन कौन विपदर सम्मुखीन होगा जाऊँ जहाँ निश्चित भाव में प्रोफेसर मिश्र कहते आरके गोयल को पाक फेर चाहिए गोयल जी आप कैसे देखते हैं सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस क्लाइमेट चेंज क्या प्लीज रिपीट आप कैसे देखते हैं सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज हम लोग को सिटीजन के हिसाब से हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सिटीजन्स तो देखिए अपनी तरफ से जैसे जैसे सरकारें बताती हैं सिटीजन्स उनको समझते हैं और उसके ऊपर एक्शन थोड़ा बहुत लेते भी हैं लेकिन सारा कुछ करना उनके लिए संभव नहीं है एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोकना है ये मेजर काम है ये एनर्जी से रिलेटेड है एनर्जी जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं उससे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है एमिशंस में जितनी भी गैसेस हैं उनमें मेन है कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए हम उसको कार्बन एमिशन भी कह देते हैं तो मेन फंक्शन जो है 70% ऑफ द पॉल्यूशन इज 70% ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड विद द एमिशन ऑफ गैसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और उसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कम रोल है मेन रोल है गवर्नमेंट्स का इंडस्ट्रीज का रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने से मेन काम होगा बाकी तो हर लेवल पे लोग अगर अपने हर काम में सफाई रखें और बायो एनर्जी का यूज करें और जैसे स्टबल बर्निंग जो करते हैं उस टाइप की चीज को रोक दें या अपने पानी को नदियों को साफ रखें नदियों में हम गंदगी ना बहाएं और पानी को साफ रखें ज्यादा धुआं न फैलाएं इस टाइप की एक्टिविटीज अगर इंडिविजुअल लेवल पे लोग करें तो उससे काफी सहयोग होगा ओके प्रोफेसर सीताकांत मिश्र को पक्को फेरवा पाई चाहिए प्रोफेसर मिश्र जो कथा कहते आरके गोयल जे इंडस्ट्रियलाइजेशन कथा जदि आम कह विशेष भाव में धूआ एवं नदी पा दूषित होगा ए सब दिग प्रति विशेष ध्यान देवार आवश्यकता रही आपण केमती देखते गोटेपटे विकास क्षेत्र में आम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत गुरुत्व दौचु किंतु जलवायु परिवर्तन रोकवापी क्लाइमेट चेंज को रोकवापी जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट रही जो माने इन्वेस्टर्स रही कितने गुरुदायित्व रही कितने कंसर्न रहा कथा निश्चित भाव माने आगुरी जाणी जे डेवलपमेंट आउ इंडस्ट्रियलाइजेशन भितर गोटे डाइकोटमी अच्छी डेवलपमेंट आउ एनवायरमेंट भितर गोटे डाइकोटमी अच्छी
जेते इंडस्ट्रियलाइजेशन करा जीवो डेवलपमेंट सेते हबो किंतु सेही मात्रा रे एनवायरनमेंट मध्ये ध्वंस हबो एटा आमे आबहमान कलु देखि आसछे किंतु वर्तमान जो थियरी होउची जे डेवलपमेंट आउ एनवायरनमेंट भितरे कोनोसी डाइकोटोमी सिचुएशन नाही डेवलपमेंट प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू रे करि हबो किंतु सेथिरे जदि आमे ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करिबा सेथिरे जदि आमे टिके कॉशन हे कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम करिबा एडवांस टेक्नोलॉजी लगे कि जो सी एफ सी कार्बन एमिशन होची ताको रिड्यूस करिबा ताहले डेवलपमेंट ता बाटरे जाई परिबा ओ एनवायरनमेंट मध्ये सुरक्षित होबो किंतु एहार तो उल्टा देखिबाक मिलुची एहार व्यक्तिक्रम देखिबाक मिलुची आपण राज्य रे भी देखंतु जेतेबेले प्रोजेक्ट बा प्रकल्प कथा चिंता करा जाउची केते जण जलवायु कथा चिंता करूचंती निश्चित भाव रे एटा ही गोटे लोपसाइडेड डेवलपमेंट कुहा जाए जेतेबेले इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम आरंभ होची किछि प्लान इम्प्लीमेंट करा जाउची सेतेबेले एनवायरनमेंट को ध्यान रे रखा जाउनी एटा ओडिसा रे हो किबा अन्य कोनसी देश रे राष्ट्र रे भी हो राज्य रे भी हो एटा ही गोटे लोपसाइडेड डेवलपमेंट होची कोनसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रे एनवायरनमेंट को आखिरे रखा जाए प्लान करा जाउ नाही वेदर कोल माइनिंग हो किबा कोनसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो रोड कंस्ट्रक्शन हो ସେଥିରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଉନି ତେଣୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ସେଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଆସିଛି ରାଜନୈତିକ ଲେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ନ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର୍ ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ସାକାର କରିବା ମୋ ମତରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତ ଅନେକ କିଛି ଦିଗରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଏବଂ ଅନେକ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ସେ ସବୁ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଭଲପିଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦେଶର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଭାଂଶ ଦେଖିବା ବେଳେ ଜଳବାୟୁ କଥା ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଶୀଳନର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ହେଇସାରିଛି ମାନବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଆସିକି ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ମୋଦି ସରକାର ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାଙ୍କର ଶାସନ ସେବେଠୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାରତରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ତିନି ତିନିଟା ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିପଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଅଛି ଯେ କେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍କୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଚାଲିଛି ୟେସ୍ ଯେଉଁ 60-70 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଆମେ ନେଇକି ବୋହି ଚାଲିଛେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆର୍ କେ ଗୋଏଲ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଏକଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିକାଶ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଳବାୟୁକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ହାଇ ଟାଇମ୍ ହୋଇଛି ଅନୁଶୀଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଯଦି ବିକାଶର କଥା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇକି ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଇପାରିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି